गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है। देखो, मैंने आपका जीके भी अच्छा कर दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो आप उसे बताना भुवनेश्वर। तो हम भुवनेश्वर जाने वाले हैं। देखो, मैं तो आज बड़ी जल्दी उठ गई। मैं 8 बजे उठ गई थी, अभी तो 10 बज गए हैं। ठीक है, तो मैं 8:15 पर उठी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। घूमने के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, कभी जल्दी नहीं उठ पाती, लेकिन घूमने के लिए हमेशा पता नहीं कैसे मेरी आंखें खुल जाती हैं, मेरा दिमाग मेरी आंखें अपने आप खोल देता है सही टाइम पे। तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। वैसे मैं सिर्फ इंट्रो करने के लिए बाहर आई थी और मेरा हाथ दर्द कर रहा है। कोई नहीं, सहल है थोड़ा, सहल है थोड़ा उनको। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ इंट्रो करने के लिए बाहर आई थी। अभी मैं इंट्रो करने के बाद वापस अंदर जाने वाली हूँ, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। गाइस, अभी हम जाने वाले हैं और ये देखो मेरा थैला मैंने ले लिया है, इसके अंदर सारी ज़रूरी चीज़ें हैं और मैंने बाल खोल दिए हैं। अभी मेरे हाथ पे मैंने बांधा है वो रबर बैंड। तो चलते हैं। और हाँ, अभी एक थोड़ी देर पहले पापा ने एक फ़नी बात बोली थी कि मेरे बो के जो इयरिंग जो पहने थे, पापा ने बोला कि वो इयरिंग मेरे बो के मुंह से ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। तो ये बात मुझे आपसे आपको बतानी थी, तो मैंने बता दिया। अभी चलते हैं। देखो, गैरेज का दरवाज़ा भी खुल गया है, तो चलते हैं। चप्पल भूल गई थी मैं, बिना चप्पल के चली जाती अभी। जो टिके पछुरु से ये गुड़ा बाहर हो गया बहुत से। हमें एक बात बताना भूल गई थी, मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है और अभी कार बाहर निकल रही है। ये अब दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं, लेकिन ये जो भी है और एक स्वेटर भी है, वो हम पिछली बार जब गए थे तब से लेकर अब तक यहीं पे पड़ा है, हमने लिया नहीं है। ओके, तो अभी पापा थोड़ा बाहर हैं। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, तो अभी पापा अंदर आएंगे तो तब मैं स्टार्ट करूँगी। और इस बार मैं कोशिश करूँगी अच्छे से ब्लॉग बनाऊँ, पूरी तरह से एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँ। और वॉइस ओवर कोशिश करूँगी कि ना ही दूँ या कम दूँगी वॉइस ओवर। तो चलो चलते हैं, जब सफ़र स्टार्ट होगा तब मैं आपसे बात करूँगी। आ गए हैं मेरी बहू, मेरे पापा, मैं तो बैठी हूँ। ठीक है, सफ़र शुरू होता है। नारियल पानी पीने के लिए रुके हैं, तो अभी हम नारियल पानी पी चुके हैं और अच्छा था, ठंडा ठंडा नारियल पानी पी के मज़ा आया। तो अभी पता नहीं कब बात करूँगी मैं। गीत गा थारे जरा जरा टा गीत गा ए तते एंती एंती आ जियो नी मा गाऊ नु ना मते आ थोड़ा वीडियो बंडी गाई दे।
दे। जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा बदन बदन यासी मुझको बारे बाहो। एक एडवाइस दिए कि बहकता टा पहले ऐसे बहकता टा बाद में ऐसे। ओके सो गाइस अभी पापा कहीं तो गए हैं कुछ काम से। मुझे पता नहीं है वैसे मुझे इतनी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। और हाँ देखो मैं कैसे बैठी हूँ अभी इधर बैठी हूँ और 12:12 हुए तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे आपको वो बात बतानी है। तो कल हम गए थे डोसा खाने बाहर गए थे डोसा खाने और उधर ना एक कुत्ता था मतलब एक डॉग था और उसे खाने को मिल नहीं रहा था तो मुझे उस पर दया आई तो मैंने डोसे का एक पार्ट निकाल के उधर फेंक दिया कि वो खा लेगा। लेकिन उसने कोई भाव नहीं दिया उस डोसे के पीस को। मेरा फेंकने में कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ किसने भाव ही नहीं दिया उसे। लेकिन कोई नहीं उसने नहीं खाया तो कोई ना कोई तो खा ही लेगा या खा चुका होगा या तो या किसी ने नहीं खाया होगा पता नहीं। और वो पता नहीं क्या। चलो अभी मैं थोड़ा सा बेटर करने वाली हूँ कर रही हूँ थोड़ा सा बेटर व्लॉग कर रही हूँ मैं। अच्छी बात है इम्प्रूव करना चाहिए हमेशा। मेरी परम सुंदरी हेलो हेलो तू निजो भाल पाई ना तू अच्छा देखा जीबू बुझ लो। हाँ को इतने ज्यादा बोल पाए इसमें तो अच्छा दिखा जाए। जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर लो अपनी बाहों में। तो एक कड़ हो चु रिकॉर्ड हो गए वो। देखें अभी हम आए हैं खाना खाने सेकेंड वाइफ किचन तो इधर है मेरी बहू तो चलो चलते हैं। मिट्टी के बाउल में सर्व हुआ तो वो तो एकदम बड़ा अच्छा दिख रहा था मटन और टेस्टी भी था। और मेरी हमेशा की तरह मेरी बहू ने मुझे खिलाया था और जो भी लोग उधर होंगे उन लोग को लग रहा होगा कि कितनी बड़ी हो गई ये है फिर भी अपनी मम्मी के हाथ से खाती है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं मैं बेसरम हूँ बिल्कुल। अभी हम जा रहे हैं मेरे गाँव मेडिसिन के लिए। हाँ मेडिसिन के लिए जा रहे हैं हम।
मेरे लिए ड्रेस खरीदने के लिए जा रहे हैं, किस फेस्टिवल के लिए बताओ? कौन सा? प्रथमाष्टमी। प्रथमाष्टमी ओडिशा का? ओडिशा में मनाते हैं, तो बाद मैं लग जाती हूँ, बाद में बात करूंगी। तो प्रथमाष्टमी ओडिशा में मनाते हैं, और प्रथमाष्टमी को घर का जो बड़ा बच्चा होता है या बड़ी बच्ची होती है उससे अपने नाना नानी के घर से नई ड्रेस मिलती है। हम चीज़ें तो ले चुके हैं, मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। तो अभी कार से उतर चुके हैं और पहुंच गए हैं मेरी आई के घर। वैसे अभी सही तरीके से पहुंचे नहीं है, बस कार पार्क की है अभी तक। और अभी हम थोड़ा सा चल के जाएंगे उधर, कार पार्क करने के लिए अलग जगह होती है। फाइनली पहुंच गए आई के घर। आई क्या है? आई को उठ जाए। हाँ आई, आई नहीं मिल रही कभी। और आपको लग रहा है हम इधर आए और आई ही नहीं है। हाँ सो आराम शांति। इधर बॉटल। तो हम इधर आए और आई घर पे नहीं है। अभी क्या करें हम, क्या करें? अभी आई आ गई है इधर। ये मेरी आई। हेलो। हाय पुनीता। सभी एक प्रॉब्लम हो गई है, हमने, अरे रुको यार, अभी हमने चेक किया कि मुझे फिट होता है या नहीं। मुझे तीन चीजें फिट नहीं हुई। एक टी शर्ट शायद फिट होगी, वो होगी टी शर्ट फिट। एक टी शर्ट शायद फिट होगी, लेकिन बाकी कुछ भी फिट नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं वो? अभी वो तीन चीज़ें वापस लौटाएंगे हम। अभी हम चीज़ें लौटाने के लिए जा रहे हैं और इधर है मॉस्किटो नेट, इग्नोर करना। तो चलो चलते हैं। वैसे आई भी जा रही है हमारे साथ। देख के जगह लिए, मैं दिख नहीं रही होंगी आपको क्योंकि अंधेरा है इधर। हाँ अभी दिख रही हूँ, थैंक यू। हाँ बाहर आ गए हम। तो अभी बहुत टाइम बाद हम ऑटो में बैठे, और इतने टाइम बाद ऑटो में बैठ के बाद बड़ा मज़ा आया। हम चारों पीछे ही बैठे थे, मैं, मेरे पापा और मेरे बहू और मेरी आई भी। जब से कार आई है तब से ऑटो में बैठना बिल्कुल कम हो गया था। अभी हम वापस पहुंच चुके हैं लौटाने के लिए, रिटर्न करने के लिए। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। मॉल में गाना चल रहा था इसलिए मैं इधर नाच रही हूँ, मतलब फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे हूँ, बस जैसी हूँ वैसी हूँ। हम लौटा चुके हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज ले लिया हमने पैंट का, और एक और टॉप भी लिया है हमने, वो टॉप बहुत प्यारा है। फिर से आ गए मेडिसिन लेने, तो बाद में बात करती हूँ। चलो अभी हम दवाई ला चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, और आई पता नहीं कुछ लाने गई हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, उड़िया में बोलते हैं मूढ़ी। और पापा और वो बैठ चुके हैं, मैं क्यों नहीं बैठी? बैठ चुकी हूँ, और क्या बोलूँ, अभी शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, और आई आ रही है, आई आ रही है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि आई वो का मफलर लेके आएगी। नहीं आ रही अभी, और अभी टाइम हुआ है
6:32 भाई अभी हम चले अपने घर, मैं आपसे घर पे पहुंच के बात करती हूँ। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते खो जाए हम। भाई फाइनली घर पहुंच गए और मैं चप्पल उतारना भूल गई, जाते वक्त चप्पल पहनना भूल गई थी, अभी चप्पल उतारना भूल गई वीडियो के चक्कर में। ठीक है तो चलो भाई पहुंच गए। चलो भाई घर पे, अभी मैं हम आ गए हैं घर। तो हम 10 बजे निकले थे और अभी हम कितने 8 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं। मतलब 10 बजे निकले थे सुबह 10 बजे और अभी रात के 8 बज गए हैं। तो अभी जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें बिल्कुल उसमें चार्ज नहीं है अभी, तो मैं चार्ज पे लगाती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। और मेरे मोबाइल में भी चार्ज नहीं है, मेरे मोबाइल में जब मैंने देखा था तो 19% चार्ज था और फिर मैंने स्विच ऑफ करके मैं ले गई, पता नहीं क्यों लेके गई, कुछ काम नहीं आया कुछ नहीं, बस ऐसे ही लेके गई थी। तो उससे भी मुझे चार्ज पे लगाना है। तो अभी मुझे आपको ड्रेस भी दिखानी है, आउटरो भी करना है, तो मैं बाद में आउटरो करूँगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मोबाइल इतना तो चार्ज हो गया है कि मैं आपको कपड़े दिखा सकूँ और आउटरो कर सकूँ। तो ये रहा बैग, इसमें से मैं एक एक निकाल के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला जो मेरे हाथ में आया है वो है ये पैंट। ये पैंट ये एक काला कलर की पैंट है जिसपे ये व्हाइट कलर की ऐसी डिज़ाइन बनी है और प्लाजो है, कंफर्टेबल होगा पक्का, मैंने ट्राई जब किया था इसे। और इस बार हमने ट्राई करके लाया है, पिछली बार हमने ट्राई नहीं किया था तो इसलिए टाइट हो गया मुझे, इस बार ट्राई करके लाया है और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये एक, ये वैसे थोड़ा ढीला है लेकिन पापा ने बोला कि ये ठीक हो जाएगा। ये देखो ऐसे ऐसा है कुछ, ये भी पैंट है, ये भी कंफर्टेबल है काफ़ी। तो ये भी हो गया। और ये है वो टी शर्ट जो मुझे फिट हो रही है, पहले जब हम लाए थे तभी फिट हो रही थी, इसे हमने लौटाया नहीं है। ये है वो टी शर्ट और ये वाला मैंने अभी लास्ट के लिए बचा के रखा था क्योंकि ये वाला मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा टॉप, मुझे ये वाला टॉप बहुत पसंद आया, इसका कलर बहुत प्यारा है और ये प्रिंट भी बहुत प्यारा है, मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यही थे कुछ कपड़े और ये है बैग। ये बैग क्यों दिखाया मैंने, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ अभी बताती हूँ, तो वो बात ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना its.anku5। तो बस ये बताना था, अभी मैं सही से आउटरो कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ताकि आपको मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। साजना इन बाहरों में दिल की तरह खिल गई।